Welcome to guys, my new blog Manish Kandari. Good morning सभी को, मैं हूँ आज कोटदार क्योंकि मेरा कल लास्ट पेपर था और आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, तो मैं तुमको ले जाऊँगा आज गांव घुमाने, तो मिलते हैं। गाइस मैं जा रहा हूँ घर, मैं बुआ और के घर आया था। ये कोटदार का मौसम देख सकते हैं आप, बहुत धूप लग रही है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा धूप यहाँ लगी हुई है कोटदार में, देख सकते हैं आप मौसम कितना ऊपर, देख सकते हैं आप चमकती हुई धूप पहाड़ों में। इससे फिर भी बढ़िया मौसम है हमारे चरेक और गांव में, तो चलते हैं मार्केट। सफ़र रोमांचक सफ़र जो अब हमारे गांव के लिए स्टार्ट होगा। ये मेरा भाई दीपक कंडारी, अब कोटदार भाई, हेलो। सफ़र हम लोगों का गांव जाते हुए और आज जाते हैं हम अपने गांव की सैर कफलडी, जो यहां से ठीक 30-35 किलोमीटर दूर है, और यहां से रोमांचक भरा सफ़र हमारा शुरू हो रहा है। एकदम नज़ारा बहुत we'll be right back.
हाय बल ला भाभी जी रामणी की भाभी जी घर पर है। और ये मनीष कंडारी यहीं पे काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कल आऊँगा और मैनेजर साहब यहाँ पर मनीष कंडारी को आवाज़ लगा रहे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे चरेक फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। ये यहाँ पर सबसे पहले इसी होटल यहाँ पे सबसे पहले यही बना था और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर होटल बनने शुरू हुए। और ये रहा वो व्यू पॉइंट, ये आप होटल देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपने यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे फोटो ज़रूर ली होगी। और ये सानू मैगी पॉइंट यहाँ पे दिख चुके हैं हम। और ये रहा होटल और यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये पर्यटकों के लिए एक और होटल बनने जा रहा है, रिजॉर्ट बनने जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटद्वार का सुहाना मौसम, कोटद्वार के ऊपर यहाँ पर बादल मंडरा रहे हैं। लगता है यहाँ पर शाम तक शायद हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और ये देखिए यहाँ पे एक और रिजॉर्ट बनने जा रहा है मनीष कंडारी यहाँ पर। आप आइए, आज मज़े ले रहे हैं। आज उन्होंने मुझे ब्लॉग का काम उन्होंने मुझे सौंप रखा है। और आप देख सकते हैं मेरे को बड़े भाई है यार, भाई हम आपके कोई बात नहीं चलता है। और देख सकते हैं यहाँ पर रामणी गाँव दिख रहा है आपको नीचे पे। और आज मैं भी बहुत दिनों बाद गाँव जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कोटद्वार का खूबसूरत सा नज़ारा। ये आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये कोटद्वार का क्षेत्र है, ये लाल पानी वाला क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र दिख रहा है आपको। और अब हम पहुंच चुके हैं आगे, अभी हम यहाँ पे आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे चरेक देवता। और मौसम देखिए यहाँ पे सुहाना हो रखा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा है। अगर आप गर्मियों में कोटद्वार में पक रहे हैं तो आप ज़रूर चरेक आएँ और मज़े करें, आनंद लें यहाँ पे, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल कोटद्वार से बाहर निकल के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर मिनी स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर मनीष कंडारी को देखिए इंजॉय कर रहे हैं। और आज हम मनीष कंडारी के साथ बहुत समय बाद मनीष कंडारी को मिल रहे हैं और हम अब गाँव जा रहे हैं। छत का जो सफर होता है, अगर आप गांव में रह चुके हैं तो आपने जरूर छत की सवारी की होगी, गाड़ी की छत की अगर की है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मनीष कंडारी को बढ़ावा दें। जो पहाड़ का होगा, जो गांव का होगा, वही सफर का। और छत का जो सफर होता है बिल्कुल मस्त हवा, जो गाँव में उल्टियाँ उल्टियाँ होती है गाँव में सड़कों में, वो बिल्कुल अभी कुछ नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और आपको हम आगे दिखाएंगे यहाँ पे बुरांस के पेड़ है जिनमें फूल खिलते हैं मार्च फरवरी मार्च में, वो दिखाएंगे। अगर आपको बुरांस के फूल देखने हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी आ सकते हैं आप यहाँ पर। तो अभी हम आपको दिखाएंगे आगे पे यहाँ पे। और ये मनीष कंडारी है हमारे साथ, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लास्ट तक देखें, जैसे भी होगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंदीदा है कॉमेडी वीडियो जरूर आएगी आपके लिए। और मनीष कंडारी की अभी तक की जो बढ़िया वीडियो है उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी वीडियो आपकी उसकी आपको अच्छी लगी। और मनीष कंडारी अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, अगर उनसे गलतियां हो रही हैं तो अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे। आज मैं भी पहली बार उनके साथ इस ब्लॉग में आ रहा हूँ और अभी दिखाएंगे हम आपको यहाँ के फेसबुक पर। और ये देखिए यहाँ पे ये बांझ के वृक्ष, और अभी दिखाएंगे हम आपको बुरांस के वृक्ष भी दिखाएंगे अभी आपको यहाँ पे। रोड की हालत बहुत, ये देखो बुरांस का पेड़, रोड की हालत देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी इस पर नज़र नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है जमकेश्वर विधानसभा का।
बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर रोड जब से बनी होगी तब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे काम हुआ है। विधायक जी भी इस रोड पर आ चुके हैं लेकिन कोई वो संज्ञान में इस चीज को नहीं ले रही है कि हम इस रोड को बनाए। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और गाड़ी रुक चुकी है चरेक गाँव के ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं आप चरेक ऐसे थोड़ी सी दूरी पर गाँव है। मौसम बारिश का हो चुका है और ये मनीष कंडारी यहाँ पर सामान लेने के लिए दुकान में जा रहे हैं। ये हाँ छोटू भाई जी ये है मेन चरेक गांव जो फेमस है तुम्हारे हर जगह चरेक। अरे हमारी गांव की गाड़ियां हैं इधर गांव की। मस्त व्यू इस समय हो रखा है। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूं मेन चरक जो गांव है जो चरक ऋषि की मूर्ति आप गूगल में सर्च कर सकते हैं चरक देवता के बारे में। तो ये है वो मूर्ति और यहां से आप नज़ारा देख सकते हैं ये कोटद्वार का है देख सकते हैं आप पूरा चरहक पहाड़ी। मौसम बदल चुका है शाम तक बारिश हो सकती है यहाँ और मस्त व्यू एवं ठंडा नज़ारा यहाँ का है। अब इससे थोड़ा आगे जाने पर मेरा गांव आ जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं चरहक में आप मेरे पीछे दोस्त देख सकते हैं मूर्ति यहीं पे सबके फ़ोटो शूट या ब्लॉगिंग जो भी होते हैं यहीं पर शूट होते हैं। तो आइए आप भी चरहक घूमने आनंद लीजिए इन पहाड़ियों का। आजकल मौसम सुहाना हो रखा है कोटद्वार में तो इतनी गंदी गर्मी हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। ज़रूर आइए मिलता हूँ घर में। मेरी गाड़ी वो देखो वहाँ पर रुकी हुई है इसी गाड़ी को मैं कई बार बुकिंग करता हूँ जब अपने लिए मेरे को पर्सनल कहीं जाना हो बुकिंग इसी गाड़ी को मैं बुकिंग कर मज़ा नहीं। छोटे भाई की दुकान ये है देखो पहुंच गया अपने गाँव आज गाड़ी भी खाली। हाँ हाँ चाचू ये मेरा गांव है कफलडी यहाँ पर हमारी मंदिर जय सिद्ध बाबा जय भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो जाए।